अच्छा सर, एक कॉमन चीज जो हमें दिखी, जब भी आप सर्दी वाली जगह पे जाते हैं, पूरा ओवरकोट और पूरा डैशिंग, कभी सर नहीं ढकते आप, यही वजह है कि आपका दिमाग ठंडा रहता है? मुझे पता था ये सर, मैं अभी ये मेरी अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाएगा, इसके पीछे जरूर कुछ कहानी है। नहीं, ये मैं ऐसे होता हूँ, पर फोटो अगर मैंने ऐसे खिंचाई तो झंडू लगूंगा ना मैं। अच्छा, अनुपम सर की फिल्म की जर्नी के बारे में आप सब जानते हैं, बहुत ही लंबी जर्नी रही है, और इस जर्नी में इनका साथ जो इनके बहुत ही कुछ खास दोस्तों ने दिया है, सो आज इनके एक बहुत ही खास दोस्त जो है हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूंगा कि सर आपसे बेटर इंट्रोडक्शन कोई नहीं दे सकता। बहुत गड़बड़ किया आपने मेरे साथ। हाउ कैन आई इंट्रोड्यूस समबडी हु इज मी, हिम, ही हिमसेल्फ, 45 साल से जानता हूं मैं इसको। वाओ, जब हम शुरुआत में 75 में ड्रामा स्कूल में आए थे, तो ये डे स्कॉलर था मैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का हॉस्टलर था। मैंने इससे सबसे ज्यादा उधार लिया हुआ है। अच्छा? हाँ, इसके भाभी के घर पे मैंने सबसे ज्यादा पराठे खाए हैं। ये दोस्ती में हमने बहुत सारे झगड़े किए हैं, और ये आदमी दिल का हीरा है और शक्ल का भी हीरा है, अभी आपको पता लगेगा। वाओ। और कुछ रिश्ते जिंदगी में टेप रिकॉर्डर के पॉज बटन की तरह होते हैं, ये वहीं से शुरू हो जाते हैं जहां से आपने छोड़े होते हैं। वाह। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द डैशिंग, द मोस्ट अमेजिंग, द मोस्ट टैलेंटेड and the most generous man that I have come across, my friend Satish Kaushik. Yeah, sir, welcome, sir. Maine socha yaar, are yaar, oh ji yaar, hum log chale jaye yaar, ye kya tum reaction tumhare ko aata hamesha yaar, yaar ye kahan se aa gayi, kyun, uff, kya ho gaya, main dil pe haath rakhu yaar, Satish left me utar, bahut tez dhadak raha hai कपिल। हाँ जी, ये मेरा 34th क्रश थी। 34 बार तू क्रश हुआ है। हाँ, अगर परमीत इसकी लाइफ में ना होता ना, हाँ, तो कहाँ ये क्रश जो है ना, क्रशर बन जाता है इसके ऊपर। Love you, सतीश। जो अनुपम ने बोला ना, he's one of the best human beings and one of the best friends in the world, most generous hearted human being. मेरे को इससे प्यार पता है कैसे हो गया था? एक्चुअली क्या, दुबई में हम शो करने गए थे। अच्छा जी, ठीक है, वो रूप की रानी चोरों का राजा जो मैंने जी हिंदुस्तान की सबसे डिजास्टर पिक्चर मैंने जो बनाई थी, ठीक है ना, मुझे तो अच्छी लगी थी सर। हाँ, आप उसको प्रमोट करने के लिए गए थे। अच्छा जी, और दुबई में ये अर्चना जो है, सडनली मैं बैक स्टेज था और शो की तैयारी चल रही थी, और सडनली भागती हुई आई और रोती हुई, क्या हो गया अर्चना, क्या कर, सतीश मेरे साथ, सतीश 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 बहुत मेरे साथ, मैं बस में आ रही थी और कुछ लड़कों ने ना मेरे साथ जबरदस्ती की, ये वो, कि भाई क्या बात कर रही है तू, मेरे को लगा ये मौका इसको इम्प्रेस करने का भी। अभी हीरो अंदर जो है वो मेरे बाहर निकल रहा था, क्या हुआ तेरे को, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या ये तो बता, हुआ तो क्या, कहने की कुछ लड़कों ने ऐसे किया, मेरे का ठीक है, मैंने ऑर्गेनाइजर को बुलाया, मैंने देखिए ये अर्चना, ये मेरी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, अगर वो लड़के 5 मिनट के अंदर यहाँ पर नहीं आए तो आप देख रहे हैं आपका शो हो नहीं पाएगा दुबई के अंदर। इसने शो रोक दिया था, और वो बड़े पावरफुल लोग थे, उनके अच्छा। सामने मैंने बड़ी छाती चौड़ी करके बोल दी। अच्छा। और जब ये आई और वो 5 लोगों को हमने वो ढूंढा, मैंने कहा बता कौन सा है, लिटरली अच्छा। ये है, ये है, ये है। वो आके इसके पैर पड़े, उसने सॉरी बोला, उस आदमी ने ताली बजाई, इसने मेरे को गले लगाया, वो गले लगते ही मेरे को क्रश हो गया इसके ऊपर। सती, मैंने तेरी इतनी तारीफ की, तूने मेरे को एक शब्द नहीं थैंक यू का बोला, एक शब्द नहीं बोला, मतलब मैंने I was not even prepared that I was supposed to introduce him. I take back all my observations. देखो, कपिल, एक दोस्ती के बारे में एक बात जरूर ख्याल रख लेना, आप सब लोग भी, दोस्ती तब तक दोस्ती नहीं है जब तक आप दोस्त को धोखा ना दो। धोखे से आपको प्यार का पता चलता है। आज तेरे को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अर्चना और मेरा रिलेशनशिप जो है वो तुम्हारे सामने उजागर हुआ है। तो ये बात आपने कभी आज तक ये किस्सा बताया नहीं था? मैंने इनको ऐसे बहुत सारे किस्से नहीं बताए इसने। ये जब भी किसी नई को देखता है इसको कोई किस्सा याद आ जाता है।
इसीलिए तो 34 बोले ना इसने. और ये हर शो में चेंज करता रहता है. एक्चुअली क्या है इनकी दोस्ती जो है ना, आपको पता है कि मेरी दोस्ती शुरू कैसे हुई? कैसे? वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जी. भाई एक लड़का, इसकी ब्राउन दाढ़ी थी, ब्राउन इसके बाल थे, ये तो कुछ अमेरिकन तब से ही लगता था असल में. अच्छा. अमेरिकन ये बाहर का आदमी है, कोई है नहीं कहीं दोनों. तो इसको पैसे की हमेशा किल्लत रहती थी. मतलब अच्छा. एक हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक बाहर एक फ्रूट वाले की दुकान थी, फ्रूट वाले की दुकान यहाँ थी, हमारा हॉस्टल यहाँ था, स्कूल यहाँ था. अब ये जा सकता था फ्रूट वाले के सामने से, लेकिन ये जाता था यहाँ से लंबा चक्कर लेके स्कूल जाता था असल में, ताकि फ्रूट वाले को देख ना पाए और वो इससे पैसे ना मांग पाए. तो पैसे की किल्लत इससे हमेशा रहती थी. एक बार इसने मुझसे कितने लिए थे? 80 रुपये. 80 रुपये 80 रुपये लिए कपिल इसने मेरे से. वापस किए कि नहीं? और वापस नहीं किए. जिन्हें मारने आ गए. मैं बुलवर कर लेके पहुंच गया. मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तेरे को है ना छोड़ूंगा नहीं. अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तोड़ डालूंगा, तेरे को फोड़ डालूंगा. मैं जी बेचारा 60 रुपये आए हैं यार. 60 रुपये ले ले यार. 20 रुपये अभी तक नहीं दिए. मगर मैं इसने जो बात किया ना, जिक्र किया जिसने, जो दाढ़ी वाड़ी थी मेरी, तो आई यूज्ड टू लुक लाइक ए फॉरेनर. तो ब्राउन दाढ़ी थी. और मैंने एक प्ले किया था 3 Penny Opera, उसमें मेरे को एक व्हाइट सूट भी मिला था. अच्छा. तो मैंने अपने पास रख लिया था. तो जब भी हमको किसी शादी का खाना खाना होता था ना, तो मैं वो सूट पहन के और वो गोल्ड रिम चश्मा पहन के मैं बन जाता था मिस्टर बर्टोल्ड ब्रेख्त. और ये आते थे और हमारे हिंदुस्तानियों को कॉम्प्लेक्स है कि कोई फॉरेनर आ रहा है, ये लेके मुझे जाते थे, दिस इज मिस्टर बर्टोल्ड ब्रेख्त फ्रॉम जर्मनी. ही हैज नेवर अटेंडेड अ वेडिंग बिफोर दैट एंड ही वांट्स टू अटेंड अ वेडिंग. मुझे अंग्रेजी ज्यादा आती, ज्यादा बात नहीं करता था. ओके थैंक यू. खाते थे, दबा के खाते थे. और उसके बाद में दूल्हे के पास जाता था, अभी भी वक्त है, निकल जाए यहाँ से. तो हमने बड़ा फायदा उठाया. शादी में बहुत खाना खाया हमने, बहुत बहुत. मतलब मैंने इनके घर बहुत खाना खाया इनकी बदौलत. आपने एक फोटो जरूर दिखानी चाहिए, आई डोंट नो, जो हमारी वायरल हुई थी. जो ये तब क्या लगते थे और मैं तब क्या वो है हमारे पास. हा? है हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए. वो देखनी चाहिए ताकि इनको हमारी दोस्ती कहाँ से कहाँ शुरू हुई है और कहाँ पहुंची है. पर मैंने तेरी बहुत तारीफ की. अभी ज्यादा तू मेरे को ज्यादा मत कर, मैं वेरी अपसेट. नहीं नहीं अपसेट है ना तो बहुत अच्छी बात है. सेट होने का मेरे को मौका मिलेगा. लो ये सतीश कौशिक जी हैं और ये साथ में मैं हूं. बताओ. ओह माय गॉड, आई वाज सो गुड लुकिंग यार, तब भी तो और अब भी. माय हां अभी हां कमाल है यार. ये कितने साल पुरानी फोटो होगी सर? 75 इयर्स. हां 45 साल पुरानी दोस्ती आपकी सर. ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लग रहा है. पर आपको लगता है, आपको लगता है इन दोनों की शक्ल देख करके ये दोनों कभी एक्टर बन सकते हैं और फिल्मों में आ सकते हैं कभी? जी, अगर ये दोनों आज कपिल शर्मा के शो पर अपनी दोस्ती का रंग लगा सकते तो कुछ भी हो सकता है. हमने बाहर काम किया है. ये दोनों को देखना है. नहीं, आप देखिए सर कहाँ से पहुंचे हम, कहाँ हमारी उपलब्धि जो है. आई एम नॉट ट्राइंग टू बी ओवर दिस थिंग, बट ये इसको देख के लगता है, वो चेक शर्ट, इन दोनों की आंखों में एक सिंसियरिटी है. ये हम पहुंचे हैं सर, 517 फिल्में मैंने की हैं, इन्होंने पता नहीं कितनी फिल्में डायरेक्ट की हैं. यहाँ तक पहुँचना बहुत अच्छी बात है. वाओ, व्हाट अ जर्नी सर. हम ड्रामा स्कूल में मेरे साथ ही बैठता था ये, तो ये पोस्टर बनाता था पिक्चरों के. और पिक्चरों के नाम क्या होते थे? जैसे एक अंग्रेजी पिक्चर आई थी वेजेस ऑफ फियर, तो उसका हिंदी में हमने पोस्टर बनाया डर की तनख्वाह. वेजेस ऑफ फियर डर की तनख्वाह, मतलब स्टारिंग अनुपम खेर, ये कविता चौधरी. अच्छा. अपना अनंग देसाई, सुहास खान के हमारा दोस्त बुरा मान गया, तुमने मेरे को कास्ट में नहीं लिया यार. क्योंकि हम ना, हमारा पहला बैच ऐसा था जो फिल्मी बैच था, जो सब थिएटर करने आए थे, लेकिन सबका मकसद यह था कि हमको फिल्मों में जाना. तो उस तरह के एड बनाने का तब शौक था, किसी को क्या पता था कि वाकई. और मैं लिखता था डायरेक्टेड बाय, मुझे नहीं पता था, लेकिन वो डायरेक्टेड बाय भी हो गया, वो प्रोड्यूस बाय भी हो गया, वो स्टारिंग भी हो गया. और इट वॉज अमेजिंग. हमारे वो सुहास खांडे का जिक्र आया तो मैं आई हैव टू टेल सुहास, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दिस. सुहास एक उसको रोल मिला, प्ले का नाम था मैन विदाउट शेडोज. ओके. तो उसमें डबल सेट लगा था, एक नीचे फ्लोर और एक ऊपर का फ्लोर. तो लकड़ी के बड़े से खंबे के साथ ऊपर का फ्लोर फिक्स था. ऊपर टॉर्चरर थे, ये था टॉर्चरर, और हम जो थे वो टॉर्चर्ड लोग थे. वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्ले था. तो सुहास खांड क्या उसमें हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन ग्रुप का लीडर था. तो उसकी एंट्री थोड़ी लेट थी. तो क्लास टीचर ने हमारे कहा था कि एंट्री बड़ी धांसू होनी चाहिए. तो वो सीन था जब उसकी, तो सतीश कौशिक जो था वो
अपना सिगार सुलगाता ऊपर और मैं कविता ये सब हम लोग नीचे हैं, हथकड़ियाँ बंधी हुई है. एक लड़का था महावीर चौधरी, वो ऐसे बैठा हुआ था और एक दूसरा का कुछ था. तो महा उसको ये पिलर है, पिलर के ऊपर पूरा ऊपर सेट लगा हुआ है, साइमल्टेनियस एक्शन चल रहा है. सुहास खान के पीछे दीपक केजरीवाल को बोलता है गिव मी ए पावरफुल पुश. तो दीपक केजरीवाल ने कहा आज बदला, इसको निकाल दो. जब उसकी एंट्री आई वो इतनी जोर से आया कि वो पिलर ही उठ गया. तो सतीश कौशिक की माचिस की तिली नाक में चली गई. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.